गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तिलकर ब्लॉग। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हैटी, द रिपब्लिक ऑफ हैटी। गाइस, ये कंट्री का कहाँ पे लोकेटेड है? सो गाइस, ये कंट्री लोकेटेड है क्लोज टू फ्लोरिडा, यूएस में, यूएस की पड़ोस में ही ये कंट्री, छोटा सा एक छोटी सी कंट्री है गाइस। और अगर हम इसके कैपिटल की बात करते हैं गाइस, तो इसका कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस, ठीक है गाइस। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, फ्रेंच है और हैटियन कैरल है गाइस। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है हैटी, और इंग्लिश काफ़ी कम बोली जाती है वहाँ पे, लेकिन एज ए टूरिस्ट अगर आप जाते हो वहाँ पे तो मैनेजेबल है, वो थोड़ी फार थोड़ी बहुत तो बोल ही सकते हैं इंग्लिश, ठीक है गाइस। तो इतना कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम इसकी रिलीजन की बात करते हैं तो 87% क्रिश्चियनिटी है गाइस, 10% नो रिलीजन, सब मिक्स है वहाँ पे, और 0.2% अदर्स है गाइस, ठीक है। और इसकी हम वीज़ा की बात करते हैं गाइस, तो इंडियंस को ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है यहाँ पे, ठीक है गाइस। और कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, इंडियंस इजीली वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, वहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती है वहाँ पे हैटी में जाने के लिए। लेकिन सिर्फ एक ही दिक्कत पड़ती है गैस कि वहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, ठीक है गैस। यहाँ से इंडिया से अगर जाना है आपको एज अ टूरिज़म घूमने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती है। अगर आपको जाना है तो आपको यूएस होके जाना होता है, या फिर अगर आप यूरोपियन कंट्री में कोई ट्रांज़िट लेके जा सकते हो, तो दोनों जगह जाने के लिए आपको ट्रांज़िट वीज़ा लगता ही है गैस, ठीक है। अगर आप यूएस में फ्लोरिडा स्टॉप बाय करके जाते हो, ट्रांजिट में आपको फ्लोरिडा रुकना पड़ेगा, ऐसे रूट है काफ़ी, ठीक है। तो यूएस मुंबई टू फ्लोरिडा, फ्लोरिडा टू हैटी, ठीक है, या फिर यूरोपियन कोई भी कंट्री से आप ट्रांजिट होके, जैसे कि आप रूट्स देख लेना, तो आप कोई भी यूरोपियन कंट्री में से ट्रांजिट हो सकते हो, जो अगर एयरलाइंस दे रही है प्रोवाइड करे ट्रांजिट, जैसे कि हैथरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से भी हो सकता है शायद, ठीक है। तो आप देख लेना वो चीज़, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है 100%, ठीक है, श्योरिटी है क्या हैटी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से नहीं है। तो और अगर ट्रांजिट जाते हो तो आपको ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना ही होगा, विदाउट ट्रांजिट वीज़ा हम नहीं जा सकते वहाँ पे हैटी एज अ इंडियन सिटीजन, ठीक है गाइस। तो अगर और अभी हम बात करते हैं इसकी करेंसी की गाइस, तो करेंसी इंडिया से वीक है, ठीक है गाइस। तो इंडियन 500 रुपीज़ वो हैटी में 780 HTG होता है, हैटी जॉर्डियन उसकी करेंसी है, ठीक है गाइस। और इसका कॉलिंग कोड है +509, ठीक है। अगर कॉल करना है हैटी में, अगर आपका कोई है घूमने जा रहे हैं और बात करना है, तो +509 लगाना होता है हैटी के कॉलिंग कोड, ठीक है गाइस। और हम इसकी वेजेस की बात करते हैं तो $150 पर मंथ मिनिमम वेजेस है, ठीक है गाइस। एज अ टीचर्स को $250 है, $500 ऐसा, ज़्यादा ज़्यादा वेजेस नहीं है, गरीब कंट्री एक है, लेकिन एज ए घूमने अगर जा रहे हो, आपने सेलेक्ट किया ये डेस्टिनेशन, तो आप जा सकते हो। तो ये सब आप चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो गाइज आप कोई भी कंट्री में आप सेट हो सकते हो, बिजनेस वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, दुकान लेके, शॉप लेके आप वहाँ पे सेट हो सकते हो, नो मैटर वो कौन सी कंट्री है, हैज़ लॉन्ग हैज़ आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आप 20-25 लाख रुपए डाल सकते हो, तो कोई भी कंट्री में आप सेटल डाउन हो सकते हो, ठीक है गाइस। तो यही चीज़ें हैं। और गाइस इसका फ्लाइट मोड तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इंडिया टू फ्लोरिडा यूएस में उसका ट्रांजिट वीज़ा लगता है, हम विदाउट वीज़ा तो जा ही नहीं सकते हैटी, ठीक है। और रेस्ट ऑफ रूट भी वैसे ही है गाइस, तो हमें वीज़ा लगेगा ही, ठीक है गाइस। तो यही है गाइस, और कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछना इस कंट्री के बारे में, या रेस्ट ऑफ कुछ कंट्री होगी उसके बारे में, तो मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो अभी के लिए इतने गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन तिलकर व्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।